नमस्कार, आप सभी का द नगरी न्यूज में स्वागत है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए सीएम गहलोत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और राहुल गांधी को भी साधने का काम कर दिया है। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी इतने समय से आवाज उठा रहे थे, उस मुद्दे के साथ सीएम गहलोत ने पूरे गांधी परिवार को अपनी तरफ करने का खेल खेला है। आप सबका सवाल होगा, आखिर क्या है वो मुद्दा? तो मैं आपको बता दूं, मुद्दा है जातिगत जनगणना का। आइए पहले सुनते हैं क्या कहा सीएम अशोक गहलोत। रंधावा साहब की अध्यक्षता के अंदर और विस्तार से चर्चा की, अभी अध्यक्ष जी आपको प्रेरित करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, जातिगत जनगणना जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस का महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह क्या इस तरह जातिगत जनगणना कर रहा है कि, और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैंने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे, हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने फैसला कर लिया है सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं, उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके, सोशल सिक्योरिटी की बात करते बार बार वो तभी लागू हो सकती है, तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है, क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ अलग अलग काम करती है, तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है, आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो वैगन उनका है उसके अकॉर्डिंग बना सके, ये फैसला लिया। मैं अध्यक्ष आपको प्रेरित करता हूँ। सीएम गहलोत को राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता, उनको जनता के साथ साथ कांग्रेस के हाई कमान को अपनी जादूगरी में चलाना आता है। उनके जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी अब उनके पक्ष में होंगी, क्योंकि सीएम गहलोत ने राहुल गांधी के दिल की बात सुनकर अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये कह सकते हैं कि जादूगर की जादूगरी अब चलने वाली है। उन्होंने आने वाले चुनाव में अपनी सीएम पद की दावेदारी पक्की कर दी है। आपको बता दें, बिहार जाति जनगणना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने नारा दिया कि जितनी आबादी उतना हक। राहुल गांधी के अगर पिछले 10 बयानों की बात करें तो उनका मुख्य मुद्दा ओबीसी को लेकर ही रहा। देखते हैं क्या कहा था राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की इज्जत की बात करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस से क्यों डरते हैं? प्रधानमंत्री जी, अगले भाषण में आप हिंदुस्तान को बता दीजिए कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, आंकड़े आपके पास है, उन आंकड़ों को आप हिंदुस्तान के सामने रख दीजिए, हिंदुस्तान की जनता को दिखा दीजिए। और अगला जो सेंसस है उसको आप कास्ट बेसिस पे कीजिए। ओबीसी का अपमान मत कीजिए, ओबीसी को धोखा मत दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि अगर कांग्रेस राज्य में फिर से सत्ता में आती है तो बिहार की तरह ही राज्य में जाति जनगणना कराई जाएगी।
आपको बता दें, बिहार सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए थे। इन आंकड़ों को लेकर सियासत गर्मा गई, लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना हो। बहरहाल जातिगत जनगणना राहुल गांधी का पहला नारा बन गया है और इसी को भुनाते हुए सीएम गहलोत ने अंत समय में खेल खेल दिया है जातिकरण समीकरण का। अब इसका कितना फायदा होगा सीएम गहलोत को, ये तो बात की बात होगी, लेकिन अपनी जादूगरी में फंसाने के लिए गहलोत ने अपना दांव खेल दिया है। हालांकि मोदी गरीबी रेखा को जातिगत जनगणना का आधार बना रहे हैं और कांग्रेस जितनी आबादी उतना हक पर अड़ी हुई है। देखना होगा कि जनता किसको चुनती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।